नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छोले भटूरे का रेसिपी। यह छोला भटूरा आपको बेहद पसंद आएगा, सो प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में काबली चने को साफ करके अच्छे से रात भर के लिए भिगो लें। रात भर भीगे हुए काबली चने को एक कुकर में डाल दीजिए। अब साथ में 2-3 तेज़पत्ता, दालचीनी और थोड़ा सा नमक डालकर 4 सीटी लगवा लीजिए। मीडियम फ्लेम में कुकर में 4 सीटी लगा लीजिए। जब कुकर का गैस निकल जाए तो उसमें से तेजपत्ता और दालचीनी को निकाल लीजिए। यहाँ पर हमने अदरक, लहसुन, मिर्च का पेस्ट, प्याज का पेस्ट और टमाटर का प्यूरी बना लिया है। इसमें यूज़ होने वाले कुछ मसाले के पाउडर हैं, जैसे नमक, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, छोले मसाला और धनिया पाउडर। और साथ में कुछ खड़े मसाले भी हैं, जैसे 2 सूखी लाल मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च और थोड़ा सा जीरा। गैस ऑन करके इस पे कढ़ाई चढ़ा दीजिए। अब इसमें मस्टर्ड ऑयल या कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं, इसमें टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। जब तेल गर्म हो जाए तो फ्लेम को मीडियम पे सेट कर लीजिए। अब इसमें जीरा और बाकी के खड़े मसाले को डाल दीजिए। जब खड़े मसाले अच्छे से भुन जाएं, तो इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दीजिए और डाल के अच्छे से मिला लीजिए। जब मसाले थोड़ा सा भुन जाएं, तो इसमें प्याज का पेस्ट डाल दीजिए। प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें टमाटर प्यूरी डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब मसाला अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसमें हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर डालेंगे। अब मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। मसालों को कुछ देर भूनने के बाद अब इसमें छोला मसाला डालेंगे और साथ ही में नमक डालेंगे। मसालों को अच्छे से भून लेंगे। मसाला नीचे लगे ना, इसलिए थोड़ा पानी का यूज कर लेंगे। मसालों को अच्छे से भूनने के बाद उसमें से अगर तेल निकल रहा है तो समझ लीजिए मसाला रेडी है। अब इसमें काबली चने को मिला लीजिए। काबली चना मिलाने के बाद कुकर में पड़े हुए पानी को भी कढ़ाई में डाल देंगे। अब आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर लीजिए और साथ ही में थोड़ा गरम मसाला ऐड करके 5 मिनट तक उबाल लीजिए।
अब छोला आपका रेडी है। अब चलते हैं भटूरा बनाने की तरफ। भटूरे बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1/2 kg मैदा और साथ में 100 ग्राम सूजी का यूज़ किया है। आप क्वांटिटी बढ़ाने के लिए इस रेशियो के हिसाब से आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में मैदा, सूजी, रिफाइन और थोड़ा सा नमक ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम इंस्टेंट भटूरा बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर दही का यूज़ नहीं कर रहे हैं। दही की जगह पर हम यहाँ पर इनो का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 1/2 kg के हिसाब से 2 पैकेट इनो का यूज़ किया है। आप 250 ग्राम पे 1 पैकेट इनो का यूज़ कर सकते हैं। इनो डालने के बाद मैदे को अच्छे से सॉफ्ट गूंथ लें। मैदे को सॉफ्ट गूंथने के बाद इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। अब कढ़ाई में रिफाइन ऑयल डालकर हाई फ्लेम पर गैस पर रख दें और तेल को अच्छे से गर्म होने दें। भटूरे फूलने के लिए तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। अगर तेल अच्छा गर्म नहीं होगा तो भटूरे नहीं फूलेंगे। भटूरा बेलने के लिए मैदे को अंदर के साइड अच्छा से फोल्ड करके पेड़ा बना लेंगे, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है। अब भटूरे बेलकर तैयार कर लीजिए। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो भटूरे को ऐसे घुमाते हुए तेल में डाल दीजिए। अब भटूरे पे सब तरफ से थोड़ा थोड़ा तेल डालते रहिए, जिससे आपके भटूरे खिले खिले बनेंगे। अब आपका छोला भटूरा रेडी है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारा आगे आने वाला कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।